Hello students, today we will talk about a neural tube defect and that is known as hollow prosencephaly. ठीक है, so ये जो congenital malformation है, जब भी आप ये नाम पढ़ो hollow prosencephaly, सबसे पहली चीज कि congenital malformation किस structure का है, तो answer is it is a malformation of neural tube. So it is a one type of neural tube defect. ठीक है, दूसरी चीज कि होता क्या है कि जब आपका न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है तो ये जो न्यूरल ट्यूब है इस न्यूरल ट्यूब में इनिशियली एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है. फिर ये जो एंटीरियर न्यूरोपोर है ये बंद हो जाता है और बाद में पोस्टीरियर न्यूरोपोर बंद हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एंटीरियर न्यूरोपोर है इसके क्लोज होते ही इस ट्यूब में इस तरीके से आपको तीन डायलिटेशन मिलते हैं. ये जो डायलिटेशन है ये क्या कहलाते हैं, दीज आर द ब्रेन वसाइकल्स, दे आर कॉल्ड एज ब्रेन वसाइकल्स. ठीक है, अब ये जो तीन है तो ये आगे वाला क्या कहलाता है, फोर ब्रेन वसाइकल, ये कहलाता है मिड ब्रेन वसाइकल और ये कहलाता है हाइंड ब्रेन वसाइकल. ठीक है, इसको दूसरे टर्म में इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन. ठीक है, अब क्या होगा कि एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज हो गया, एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होने के बाद क्या हुआ, तीन डायलिटेशन बन गए. अब यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप होना है उसमें क्या होना है कि ये जो फोर ब्रेन वसाइकल है, इस फोर ब्रेन वसाइकल से दो सिमिलर एनलार्जमेंट इस तरीके से बन जाते हैं. ठीक है, दो बल्जिंग बन जाती हैं और ये जो बल्जिंग है ये बल्जिंग कहलाती है टीलेंसेफेलॉन. ये क्या कहलाती है, टीलेंसेफेलॉन. ठीक है, और इसी तरह इसी फोर ब्रेन वसाइकल से इसकी वेंट्रल सरफेस पे यानी नीचे की तरफ भी दो स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन. ठीक है, तो यहां पे जो एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपका सबसे पहला वाला ब्रेन वसाइकल है उस ब्रेन वसाइकल को हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन. उस ब्रेन वसाइकल को इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन. ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है ये प्रोजेंसेफेलॉन जो कि एक सिंगल वसाइकल है, बाद में क्या होता है इसके अंदर डुप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बीच में क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने की वजह से दो पार्ट राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड होगा और इसके अंदर राइट एंड लेफ्ट दो बल्जिंग प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम बोलते हैं टीलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. ठीक है, तो प्रोजेंसेफेलॉन के कितने पार्ट, दो पार्ट, राइट साइड में राइट टीलेंसेफेलॉन एंड राइट डायनसेफेलॉन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट टीलेंसेफेलॉन एंड लेफ्ट डायनसेफेलॉन. ठीक है, तो ये जो इनिशियली प्रोजेंसेफेलॉन जो था इसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है यानी सेपरेशन हो जाता है और सेपरेशन होने के बाद के साथ साथ ही क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है. डुप्लीकेशन मतलब देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सेम हूबहू मिरर इमेज स्ट्रक्चर्स राइट और लेफ्ट साइड में बनने लग जाती हैं. ठीक है, तो प्रोजेंसेफेलॉन से क्या बनते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन से बनता है टीलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. ठीक है, सो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में एक एक टीलेन और डायनसेफेलॉन बनते हैं यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है, अब यहां पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब भी प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है यानी जैसे ही इसके अंदर सेपरेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें यह पता है कि टीलेंसेफेलॉन क्या बनाता है, टीलेंसेफेलॉन बनाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, डायनसेफेलॉन क्या बनाता है, डायनसेफेलॉन बनाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस. ठीक है, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेन सेफेलॉन है, ठीक है, ये प्रोजेन सेफेलॉन से हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर बने, इसी से हमारी डायनसेफेलॉन बना। तो ये जो प्रोसेस होगा किसका, इंडक्शन ऑफ प्रोजेन सेफेलिक सेपरेशन। ये जो प्रोजेन सेफेलिक सेपरेशन का जो इंडक्शन होता है, ये इंडक्शन ना केवल सिर्फ प्रोजेन सेफेलॉन का सेपरेशन कराता है, बट साथ में ये क्रेनियो फेशियल डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी, यानी कि जब प्रोजेन सेफेलॉन के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उसी समय उसी फैक्टर ने जो ये सेपरेशन इंड्यूस कर रहा है, सेम फैक्टर क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट को भी इंड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बात आपको याद रखनी है कि जो फेस है इस, ये ऑलवेज इट शोज द पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। द फीचर्स ऑफ द फेस ऑलवेज शो द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इन केस ऑफ द मालफॉर्मेशन। मतलब कि अगर फेशियल मालफॉर्मेशंस हैं तो आपको हमेशा मन में एक डाउट रखना चाहिए कि क्या इस बच्चे का ब्रेन नॉर्मल है या नहीं। बिकॉज यहां पे आप देख रहे हो कि क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट एंड प्रोजेन सेफेलिक सेपरेशन का जो इंडक्टिव प्रोसेस है, या जो इसके सेपरेशन का इंडक्शन और इसके फॉर्मेशन का जो रीजन है, वो प्रोसेस कॉमन होता है। तो अगर एक न्यूबॉर्न बेबी बहुत सीवियर फेशियल माल फॉर्मेशंस के साथ पैदा होता है, तो ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि दैट बेबी मे हैव एबनॉर्मलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, सो ये चीज इसीलिए कही जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो यानी ये बात हमें याद रखनी है कि होलो प्रोजेन सेफेली क्या प्रॉब्लम है। होलो प्रोजेन सेफेली प्रॉब्लम है जहां पे ये क्लीवेज जो कि इस प्रोजेन सेफेलॉन को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला था, जहां पे राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर बनने वाले थे, वो सेपरेशन में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, देयर इज ए फेलियर ऑफ द सेपरेशन और द क्लीवेज ड्यू टू द लैक ऑफ इंडक्शन, ड्यू टू द देयर इज ए सप्रेशन और द लैक ऑफ दिस इंडक्टिव प्रोसेस। सो बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ दिस इंडक्शन ऑफ द प्रोजेन सेफेलिक सेपरेशन, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशंस। ठीक है, तो आप जब होलो प्रोजेन सेफेली के बच्चे देखेंगे, अगर आपको सीवियर फॉर्म ऑफ होलो प्रोजेन सेफेली मिल रही है, तो वहां पे हमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज भी मिलती हैं। ठीक है, लेकिन माइल्ड फॉर्म ऑफ होलो प्रोजेन सेफेली जो होती है उनमें क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीवियर फॉर्म ऑफ होलो प्रोजेन सेफेली है, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बात आपको एक यहां पे क्लियर हो गई कि होलो प्रोजेन सेफेली का मतलब क्या हुआ। होलो प्रोजेन सेफेली मतलब फेलियर ऑफ द सेपरेशन और क्लीवेज ऑफ द प्रोजेन सेफेलॉन। सो यू विल हैव द होलो प्रोजेन सेफेलॉन, यू विल हैव ए सिंगल प्रोजेन सेफेलॉन, यू डोंट हैव द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सो इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी कि जब आप एक होलो प्रोजेन सेफेलॉन के बेबी को देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। देर आर थ्री वेराइटीज ऑफ द होलो प्रोजेन सेफेलॉन। व्हाट आर द टाइप्स और द क्लासिफिकेशन। एक होता है ए लोबार, एक होता है सेमी लोबार और
एक होता है लोबार वैरायटी। ठीक है, ये तीन मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन में आप देखते हो। इसके अलावा एक और फोर्थ वैरायटी है, दैट फोर्थ वैरायटी इज नोन एज MIH, मिडल इंटर हेमिस्फेरिक होलोप्रोजेंसिफली। ठीक है, सो ए लोबार का मतलब क्या हुआ? ए लोबार सबसे सीवियर टाइप ऑफ होलोप्रोजेंसिफली होगी। अब इसके अंदर आप जब देखोगे तो थ्योरिटिकली अगर आप सोचो कि हमारे पास ये एक नॉर्मल सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर यहां पे आपको क्या दिखता है, ये सी शेप कॉर्पस कैलोजम दिखता है। ठीक है, सो उसके रोस्ट्रम जेन्यू बॉडी स्प्लेनियम पार्ट दिखते हैं आपको। यहां पे क्या दिखता है, यहां पे आपको सेप्टम पेलुसिडम दिखता है। सेप्टम पेलुसिडम के अंदर इसके अंदर क्या होगा, लैटरल वेंट्रिकल होगा। मिड लाइन में क्या होगा, थर्ड वेंट्रिकल क्या होगा। यहां इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया के अंदर डायनसेफेलॉन यानी थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं आप। और इसमें लैटरली जब आप सेक्शन को काट के देखते हो, जब आप ब्रेन देखते हो, तो यहां पे हमें क्या मिलता है इस तरीके से। ठीक है, सो ये आपको डीप सिटेड न्यूक्लियाई मिलते हैं यानी थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया मिलता है। ठीक है, अब ये सब तब होगा, ये सब तब पॉसिबल है जब हमने प्रोजेंसिफलोन के दो पार्ट कर दिए। तो हमारे पास सेम स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इधर भी फ्रंटल लोब है, इधर भी फ्रंटल लोब है, इधर भी बेसल गैंग्लिया है, इधर भी बेसल गैंग्लिया है, इधर भी थर्ड लैटरल वेंट्रिकल है, इधर भी लैटरल वेंट्रिकल है, मिड लाइन में थर्ड वेंट्रिकल है, इधर भी थैलेमस है, इधर भी थैलेमस है। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई है, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सेपरेशन नहीं हो पाया है, तो क्या होगा, जो वेंट्रिकल है वो एक सिंगल कैविटी की फॉर्म में दिखेगा। यानी ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये एक सिंगल हॉलो स्फेयर होगा। इस हॉलो स्फेयर के अंदर एक कॉमन थैलेमस होगा। थैलेमस तो होगा लेकिन सिंगल थैलेमस होगा। और इसके अंदर ये जो कैविटी है ये कैविटी मोनोवेंट्रिकुलर कैविटी होगी। मोनोवेंट्रिकल यानी सिंगल वेंट्रिकुलर कैविटी होगी। राइट और लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल नहीं होंगे, उनके कोई हॉर्न्स का डेवलपमेंट नहीं होगा कोई आपके पास। ठीक है, तो इस ए लोबार हॉलो प्रोजेंसिफली में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहला प्रॉब्लम कि इसके अंदर क्या आपको कॉर्पस कैलोजम मिलेगा, नहीं मिलेगा, नो कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम कि इसके अंदर जो आपका ड्यूरल फोल्ड है जो मीडियन फिशर के अंदर आता है, तो मीडियन फिशर ही नहीं बना। मीडियन फिशर क्या करता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को अलग करता है। जैसे ये आपके एक साइड का है, ये दूसरी साइड का है। ठीक है, यहां पे ये मीडियन फिशर होता है, उसके नीचे कॉर्पस कैलोजम होता है। तो ये जो मीडियन फिशर है, इस मीडियन फिशर में क्या आता है, ड्यूरल फोल्ड जिसको हम बोलते हैं फॉक्स सेरिब्रा। तो इसके अंदर नो मीडियन फिशर। ठीक है, सो इसमें मीडियन फिशर भी नहीं होगा। ठीक है, सो देयर इज नो मीडियन इंटर हेमिस्फेरिक फिशर। ठीक है, तीसरी चीज जो आपका ड्यूरल फोल्ड है वो भी नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो एबसेंट। चौथी चीज सिंगल बेसल गैंग्लिया होगा, सिंगल थैलेमस होगा। ठीक है, थैलेमस भी सिंगल होगा, बेसल गैंग्लिया भी सिंगल होगा, फॉक्स सेरिब्रा एबसेंट होगा, इंटर हेमिस्फेरिक फिशर नहीं है, कॉर्पस कैलोजम नहीं है, थर्ड वेंट्रिकल भी एबसेंट है ना। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो भी नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो एबसेंट। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल के हॉर्न्स डेवलप नहीं होंगे, सिंगल लार्ज वेंट्रिकल कैविटी दिखेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रेन। इसके रिस्पॉन्स में क्रेनियो फेशियल एबनॉर्मलिटीज होंगी। ठीक है,
ठीक है। तो क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी? क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज क्यों होंगी? क्योंकि जब आप डायनसेफेलॉन का फॉर्मेशन देखते हो तो डायनसेफेलॉन से ऑप्टिक वसाइकल निकलती हैं जो आई बनाएंगी, और साथ में नेजल प्लेकॉर्ड भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि इंडक्शन ऑफ द क्लीवेज कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, कहीं ना कहीं देर इज ए सप्रेशन ऑफ द क्लीवेज और सेपरेशन ऑफ द प्रोजेंसेफेलॉन, एंड बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ द इंडक्शन एंड दैट इज द कॉमन फैक्टर फॉर द क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट, तो क्या होगा? सिंगल आई होती है। कई बार क्या होता है, फेस पे जब आप होलोप्रोजेंसेफेली के बच्चे देखते हो तो फेस पे सिंगल आई मिलती है, ठीक है। दिस इज नोन एज साइक्लोपिया, सिंगल आई। और एक यहां पे इस तरीके का प्रोजेक्शन दिखता है, नोज लाइक प्रोजेक्शन, प्रोबोस्किस, प्रोबोस्किस। ठीक है, सो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक चीज होती है सीबोसिफेली। सीबोसिफेली का मतलब क्या हुआ कि इसमें नोज तो बनेगी ही नहीं, ये जो आपका एक्सटर्नल नोज है ये एब्सेंट होता है, तो फ्लैट होता है ये सारा एरिया, और जो नॉस्ट्रिल है वो भी सिंगल होता है, देयर इज सिंगल नॉस्ट्रिल एंड दिस होल एरिया इज फ्लैट, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोज एब्सेंट है और नॉस्ट्रिल भी सिंगल है, तो दैट इज सीबोसिफेली। सिंगल आई होती है और आई के ऊपर एक नोज लाइक प्रोजेक्शन कई बार हमें दिखता है। प्लस अगर आप यहां ओरल कैविटी में देखोगे तो मीडियन क्लेफ्ट मिलता है, लार्ज मीडियन क्लेफ्ट, एंड देर इज ए सिंगल सेंटर इंसाइजर। इंसाइजर टीथ जो होता है, इंसाइजर टूथ इज सिंगल एंड इट इज लार्ज, सेंट्रली प्लेस्ड, सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। सो जब आप एलोबार टाइप ऑफ होलोप्रोजेंसेफेली देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यहां पे हुआ क्या है, कोई सेपरेशन नहीं हुआ है किसी भी तरीके का, कहीं भी सेपरेशन नहीं हुआ, तो पूरा की पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक सिंगल मास के फॉर्म में है। उस सिंगल मास के फॉर्म में फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल लोब जैसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पूरा की पूरा लैटरल वेंट्रिकल जो है एक सिंगल मोनोवेंट्रिकल कैविटी की फॉर्म में है, जो बहुत बड़ी लार्ज कैविटी है। थैलेमस सिंगल है, बेसल गैंग्लिया सिंगल है, थर्ड वेंट्रिकल बना नहीं है, कॉर्पस कैलोजम बना नहीं है, फॉक्स सेरिब्राय बना नहीं है, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी डेवलप नहीं होता, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस डेवलप नहीं होता तो इन इस तरीके में क्या प्रॉब्लम होगी, बट ऑब्वियसली एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होंगी, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। तो ये जो बच्चे हैं इनके अंदर आपको इस सब का सस्पेक्शन कब हुआ, जब आपने ये फेशियल फीचर्स देखे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कि जो फेस है ये एक इनडायरेक्ट आपको इंडिकेशन देता है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो जब आपने अगर ऐसा कोई बेबी देखा जिसकी सिंगल आई है, नॉस्ट्रिल सिंगल है, एक्स्ट्रा नोज नहीं है, इंसाइजर टूथ सिंगल है जो सेंट्रली प्लेस्ड है, ठीक है, प्रोबोस्किस है, यहां पे एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि इसके ब्रेन में देयर इज सम एबनॉर्मलिटी। एंड जनरली ये फीचर्स किस में दिखते हैं, ए लोबार टाइप ऑफ होलोप्रोजेंसेफेली के अंदर हमें दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके के बेबी जनरली टर्म तक नहीं पहुंचते हैं या दे हैव द स्टील बर्थ। स्टील बर्थ मतलब इंट्रायूटराइन डेथ हो जाती है, और अगर इनकी दे विल कम आउट देन दे विल डाई विद इन आवर्स, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर है ए लोबार, ठीक है। दूसरी वेराइटी है सेमी लोबार। सेमी लोबार के अंदर भी क्या होता है, जो सेपरेशन है वो सेपरेशन बहुत ही आपको इसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है, ठीक है। देर इज नो नॉर्मली नहीं है, बट देर इज ए स्लाइट यू विल हैव द सेपरेशन, कि जहां पे थोड़ा बहुत जो पोस्टीरियर फिशर है वो डेवलप हो जाता है। पोस्टीरियर फिशर मतलब जो ऑक्सीपिटल लोब्स हैं थोड़े बहुत वो नजर आते हैं, यानी जो ये ऑक्सीपिटल लोब के पीछे की तरफ का जो एरिया है ये थोड़ा डेवलप हो जाता है, और जो आपका
वेंट्रिकल है वो अभी भी एक सिंगल कैविटी में होता है. वेंट्रिकल इज ऑल्सो हैविंग द सिंगल लार्ज कैविटी बट उसमें छोटा सा हमें थोड़ा बहुत पोस्टियर हॉर्न दिख सकता है. बट ये जो कैविटी की साइज है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है. स्टिल इट इज ए मोनो वेंट्रिकल, स्टिल इट इज ए सिंगल कैविटी बिकॉज इसके अंदर आगे की तरफ ना फ्रंटल लोब बना है ना पैराइटल लोब बना है ना कॉर्पस कैलोजम है इसमें भी, लेकिन चूंकि पीछे की तरफ थोड़ा ऑक्सीपिटल लोब में सेपरेशन दिखता है, थोड़े बहुत पोस्टियर हॉर्न दिखते हैं, बट स्टिल देयर इज नो थर्ड वेंट्रिकल, देयर इज नो कॉर्पस कैलोजम, और थोड़ा बहुत फॉक्स सेरिब्राय का छोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर डेवलप दिख जाता है. थोड़ा बहुत फॉक्स सेरिब्राय हमें डेवलप दिख जाता है. ठीक है, तो इसके अंदर भी बाल फॉर्मेशन होते हैं, वही फेशियल मालफॉर्मेशन आपको दिखेंगे. ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? माइल्ड डिफरेंस है. माइल्ड डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत सेपरेशन है, थोड़ा बहुत फॉक सेरिब्राई का डेवलपमेंट होता है, बट स्टिल द कैविटी इज मोनो वेंट्रिकुलर, स्टिल द वेंट्रिकल इज सिंगल. ठीक है, सो ये आपका हो गया सेमी लोबार वेराइटी. नाउ विल कम टू द लोबार वेराइटी. तो लोबार वेराइटी में क्या होता है कि जैसे ये जो आपका दो हेमिस्फेयर हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो इनके बीच में जो ये फिशर है, ये फिशर डेवलप हमें दिखता है. ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल सेरिब्रल हेमिस्फेयर देखते हो तो ये फिशर कहां तक आता है? कॉर्पस कैलोजम तक. ठीक है, कहां तक आता है? कॉर्पस कैलोजम तक आता है. ठीक है, नीचे नहीं जाता क्योंकि नॉर्मली कॉर्पस कैलोजम पे आके आपका फॉक्स सेरिब्राई जो है वो एंड हो जाता है और ये फिशर भी यहाँ के खत्म हो जाता है. इस लोबार वैरायटी में यहाँ एंटीरियर पार्ट में फिशर डेवलप होता है ये वाला, और पोस्टीरियर पार्ट में भी फिशर डेवलप होता है, यानी यहां भी डेवलप होता है, लेकिन मिडिल पार्ट में फिशर डेवलप नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे क्या है? सिंगुलेट गायरस. ये क्या चीज है? सिंगुलेट गायरस. तो ये जो सिंगुलेट गायरस है, ये गायरस सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो यहां पे फिशर एब्सेंट होता है. इसमें इस एरिया में लोबार वैरायटी के अंदर जब आप देखते हो तो यहां पे फिशर एब्सेंट होता है. इस एरिया में फिशर सिर्फ ऐसा आगे मिलेगा, पीछे मिलेगा, और बीच में थोड़ा सा शैलो फिशर मिलेगा. एक नॉर्मल जो कंप्लीट फिशर होता है वो इसमें देखने को नहीं मिलता. दूसरी बात कि इसके अंदर जो लैटरल वेंट्रिकल है उसका एंटीरियर हॉर्न डेवलप हो जाता है दोनों साइड, पोस्टीरियर हॉर्न भी डेवलप हो जाता है, लेकिन सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी दोनों की कॉमन होती है. बॉडी दोनों की कॉमन होती है. क्यों कॉमन होती है? बिकॉज सेप्टम पेलुसिडम तो इसमें भी नहीं बना. सेप्टम पेलुसिडम क्या करता है हमें पता है. सेप्टम पेलुसिडम होता है यहां पे, ये सेप्टम पेलुसिडम दोनों साइड की लैटरल वेंट्रिकल कैविटी को सेपरेट करता है, तो इसके अंदर सेप्टम पेलुसिडम नहीं बनता. इनमें तो बनता ही नहीं है, इसीलिए तो इनके अंदर कैविटी कॉमन है, लेकिन इसमें भी वो एब्सेंट होता है. ठीक है, तो ये बात आपको एकदम दिमाग में रखनी है कि अगर कोई पूछे कि कोई भी होलो प्रोजेंसिफेली हो, चाहे वो ए लोबार हो, चाहे सेमी लोबार हो, चाहे लोबार हो, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो देयर इज ए एब्सेंस ऑफ सेप्टम पेलुसिडम. सेप्टम पेलुसिडम जो है वो तीनों में ही एब्सेंट होता है. ठीक है, तो लोबार वाले को अगर आप देखो तो इसके अंदर क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज कई बार एब्सेंट होती हैं, यानी बच्चे का फेस नॉर्मल होता है. ठीक है, और ये बेबीज नॉर्मली ग्रो करते हैं, ये बेबीज नॉर्मली पैदा होते हैं, लेकिन ये कई बार दे विल शोज द कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड सीजर्स. ठीक है, तो जब आप होलो प्रोजेंसिफेली पढ़ोगे तो होलो प्रोजेंसिफेली के अंदर क्या वैरायटी है? एलोबार, सेमीलोबार, एंडोबार. ठीक है, एक होता है आपका MIH, मिडिल इंटर हेमिस्फेरिक होलो प्रोजेंसिफेली, जो कि चौथी और लेटेस्ट वैरायटी है. इसका दूसरा नाम होता है सिंटेलिसिफेली. इसका दूसरा नाम क्या है? सिंटेलिसिफेली. दिस इज द अनदर नेम ऑफ MIH और मिडिल इंटर हेमिस्फेरिक होलो प्रोजेंसिफेली सिंटेलिसिफेली.
ये जो वैरायटी है इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली दो लोब बनते हैं, कॉर्पस कैलोजम का एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट भी बनता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फिशर भी बनता है, मिडिल पार्ट ऑफ द फिशर भी बनता है, लेकिन जो मिडिल पार्ट है वो शैलो होता है। क्यों? बिकॉज इस में मिडिल पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर यानी फ्रंटल लोब का पोस्टीरियर पार्ट एंड पैराइटल लोब आपस में फ्यूज रहते हैं। इसमें सिर्फ क्या प्रॉब्लम होती है कि फ्रंटल लोब एंड पोस्टीरियर पार्ट एंड पैराइटल लोब इसमें फ्यूज मिलते हैं। सो दैट इज मिडिल इंटर हेमिस्फेरिक होलोप्रोजेन सिफिली और सिंटेली सिफिली। ठीक है, सो अब अगर आप इनके अंदर एक चार्ट की फॉर्म में कंपैरिजन देखेंगे तो वो हमें याद रखने में इजी रहता है। ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस द चार्ट टू कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड। नाउ विल सी दिस चार्ट फॉर द कंपैरिजन ऑफ ऑल द थ्री वैरायटी। सो क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशन, ये सबसे ज्यादा या सबसे सीवियर किसमें मिलते हैं? ए लोबार। और लोबार वैरायटी में ये कई बार एब्सेंट होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत माइल्ड होते हैं। सेमी लोबार वैरायटी में ये दे आर प्रेजेंट बट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होंगे तो सही, प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, बट दे मे बी सीवियर और दे मे बी माइल्ड, बट होंगे, ऑलवेज होंगे, बट ए लोबार में तो कई बार एब्सेंट भी होते हैं। वेंट्रिकल इसके अंदर सिंगल वेंट्रिकल होता है, मोनोवेंट्रिकल इसमें भी सिंगल वेंट्रिकल होता है। ठीक है, लेकिन इस सेमी लोबार के अंदर हमने देखा कि इंटर हेमिस्फेरिक फिशर जो था वो पीछे की तरफ यानी ऑक्सीपिटल लोब में बन जाता है, और उस वजह से आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीपिटल हॉर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और लोबार वैरायटी के अंदर भी जो वेंट्रिकुलर कैविटी होती है वो सेंटर पार्ट में कॉमन होती है, बाकी इसके अंदर फ्रंटल हॉर्न एंड ऑक्सीपिटल हॉर्न दोनों बन चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटर पार्ट में फ्यूजन होता है, लेकिन जो उसका सेंट्रल वेंट्रिकल होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, वो फ्यूज्ड होता है। वो कैसा होता है? वो फ्यूज्ड होता है। ठीक है, सेप्टम पेलोसिडम आई टोल्ड यू दैट इट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिकॉज दिस सेप्टम पेलोसिडम इज एब्सेंट इन ऑल द वैरायटी ऑफ इन ऑल दीज थ्री वैरायटीज ऑफ होलोप्रोजेन सिफिली। सेप्टम पेलोसिडम के एब्सेंट होने की वजह से ही इसके अंदर सेंट्रल पार्ट फ्यूज्ड है, दोनों साइड का सेंट्रल पार्ट। क्यों फ्यूज्ड है सेंट्रल पार्ट? क्योंकि सेप्टम पेलोसिडम एब्सेंट है। ठीक है, तो आपको यह चीज याद रखनी कि अगर सेप्टम पेलोसिडम नहीं होगा तो बट ऑब्वियसली दोनों साइड का क्या होगा? लैटरल वेंट्रिकल फ्यूज रहेगा, तो थर्ड वेंट्रिकल भी नहीं बनेगा नीचे की तरफ। फॉक्स सेरिब्राय इसके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, इसके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अंदर पार्शली यू कैन सी दैट बिकॉज इसके अंदर हमने देखा कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल इंटर हेमिस्फेरिक एरिया डेवलप हो चुका होता है, तो पार्शली पोस्टीरियरली यू कैन सी दैट यू विल हैव ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द फॉक्स सेरिब्रम। इसके अंदर एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी फॉक्स सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, लेकिन मिडिल पोर्शन में बिकॉज सिंगुलेट गायरस फ्यूज रहते हैं इसलिए वो वेल डेवलप नहीं हो पाता। तो लोबार वैरायटी के अंदर जो फॉक्स सेरिब्राई है वो भी वेल डेवलप नहीं है, बट एंटीरियरली डेवलप है, पोस्टीरियरली डेवलप है। इसमें पोस्टीरियरली आपको डेवलप दिखता है और बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत हमें दिख सकता है, लेकिन इसमें तो एब्सेंट ही है, टोटली एब्सेंट है। इंटर हेमिस्फेरिक फिशर इसमें कंप्लीटली एब्सेंट है। इसमें आई टोल्ड यू दैट पार्शली इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑक्सीपिटल लोब्स ऑन द पोस्टीरियर साइड। इसके अंदर एंटीरियरली भी होता है, पोस्टीरियरली भी होता है, और सेंटर पार्ट में शैलो होता है, यानी देर इज नो वेल डेवलप इंटर हेमिस्फेरिक फिशर। और ये सेंटर में वेल डेवलप क्यों नहीं है? बिकॉज सिंगुलेट गायरस आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया इसके अंदर सिंगल होते हैं, देर इज नो सेपरेशन। इसमें भी सिंगल होते हैं और इसमें ये सेपरेट हो चुके होते हैं।
यानी लोबार वैरायटी के अंदर थैलेमस भी दो दिखते हैं, बेसल गैंग्लिया भी दो दिखते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर सिंगल वैरायटी ऑफ दिस थैलेमस और बेसल गैंग्लिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट से आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि इन तीनों होलोप्रोजेंसिफिली में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड पे आपको बहुत क्लासिकल साइन मिलता है एंड दैट इज नोन एज सर्पेंटाइन क्रोलिंग अंडर स्कल। उसका नाम क्या है? उस साइन का नाम है सर्पेंटाइन क्रॉलिंग अंडर स्कल। ये क्या चीज होती है? जब भी आप होलोप्रोजेंसिफिली का कोई क्लिनिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये आपके पास काम आती है कि स्कल बोन के नीचे आपको ऐसा लगता है कि कोई स्नेक क्रॉल कर रहा है। ठीक है, ऐसा अपीयरेंस क्यों आता है? ये अपीयरेंस आता है कलर डॉपलर पे। जब आप कलर डॉपलर करते हैं, ये कलर डॉपलर इमेजिंग क्या होती है? कलर डॉपलर इमेजिंग एक तरीके की अल्ट्रासाउंड है, कलर डॉपलर इमेजिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन जब आप स्टडी कर रहे हो तो जो स्कल है, जो स्कल बोन है, ये जो बोन है स्कल, इस बोन के नीचे आपको यहां पे इस तरीके से ये आपको दिखता है कलर डॉपलर में। ठीक है, यहां पे ये क्या है? ये ब्रेन है, दिस इज डेवलपिंग ब्रेन। सो ब्रेन और स्कल बोन के बीच में ये क्या दिख रहा है आपको? सर्पेंटाइन क्रॉलिंग। ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चर है जो क्रॉल कर रही है। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? देखिए, जनरली इन नॉर्मल कंडीशन ये एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? इसलिए एब्सेंट है कि आप जब ब्रेन देखते हो, नॉर्मल हेमिस्फीयर देखते हो, तो नॉर्मल हेमिस्फीयर में ये क्या है? कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, और इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर यहां पे हमें दिखती है आर्टरी, दिस इज नोन एज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो नॉर्मल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की लोकेशन क्या है? कॉर्पस कैलोजम के ऊपर है। ठीक है, और ये आपका क्या है? स्कल है, दिस इज योर स्कल। क्लियर? अब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट तो डेवलप ही नहीं हुआ, सेपरेशन ही नहीं हुआ, फिशर ही नहीं बना, तो आर्टरी तो आगे जाएगी लेकिन सेपरेशन नहीं हुआ, तो सीधा स्कल और ब्रेन के बीच में आ गई। स्कल और ब्रेन के बीच में आ गई, क्यों आ गई? बिकॉज देयर इज नो इंटर हेमिस्फेरिक फिशर। सो फिशर नहीं है तो आर्टरी कॉर्पस कैलोजम के ऊपर कैसे आएगी? क्योंकि कॉर्पस कैलोजम ही नहीं बन रहा है, और आर्टरी को अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि फिशर ही नहीं है, बीच में गैप ही नहीं है, तो आर्टरी स्कल और ब्रेन के बीच में आ जाती है। तो जब आप कलर डॉपलर इमेजिंग करते हैं उस समय हमें क्या दिखता है? स्कल और ब्रेन के बीच में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में ब्लड फ्लो नजर आता है, एंड दैट इज नोन एज सर्पेंटाइन क्रॉलिंग अंडर स्कल। यानी स्कल के नीचे आपको कुछ क्रॉल करता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि कोई स्नेक क्रॉल कर रहा है, उसके नीचे चल रहा है। सो दिस इज व्हाट इज ए टिपिकल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग साइन फॉर डायग्नोसिस ऑफ होलोप्रोजेंसिफेली। सो दिस इज ऑल अबाउट द होलोप्रोजेंसिफेली। थैंक यू।